मिलिंग मशीन में इंडेक्सिंग पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ये सिंपल इंडेक्सिंग है, इसके बाद हम एंगुलर इंडेक्सिंग पे बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द इंडेक्सिंग रिक्वायरमेंट फॉर 41 डिवीजन 76 डिवीजन्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, मिलिंग मशीन में इंडेक्सिंग हेड आता है और इंडेक्सिंग हेड के साथ बेसिकली उसको डिवाइडिंग हेड बोलते हैं और उसमें ये प्लेट्स आती हैं। ठीक है, इन प्लेट्स पे आपको इंडेक्सिंग करना पड़ता है। इंडेक्सिंग का बेसिकली मतलब होता है आपका टेबल का मूवमेंट होता है डिवीजन में। तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि जैसे आप क्रैंक एक बार रोटेट कराते हैं, ठीक है, तो आपका जो टेबल है वो 1/40 बार रोटेट होता है, या मैं बोलूँ 40 क्रैंक रोटेशन, ये स्टैंडर्ड चलता है। रोटेशन मीन्स 1 रोटेशन ऑफ टेबल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1 क्रैंक रोटेशन। क्रैंक रोटेशन का मीन्स हो जाएगा 1/40 रोटेशन ऑफ टेबल, रोटेशन ऑफ टेबल। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, इसमें क्या 41 डिवीजन करने हैं, कोई वर्क पीस है उस पर 41 कट लगाने हैं आपको इक्वल डिस्टेंस में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने देखा क्रैंक को एक बार रोटेट कराए तो क्या मिला आपको 1/40। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक बार में 1/41 रोटेशन हो टेबल का, क्योंकि 41 डिवीजन करने हैं एक बार में। तो यहाँ पे किसी ना किसी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे यहाँ पे क्या आ जाए, 41 हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेसिकली ये आपका प्लेट होती है और प्लेट पे होते हैं होल्स इक्वल डिस्टेंस। ये सब पहले आपको पता होना चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, अब क्रैंक होता है इस तरह से, यहाँ पर क्रैंक लगा रहता है, तो क्रैंक को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है होल्स में लेके। तो 1/41 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1/40 है और हम ये ले सकते हैं 41 होल्स वाला सर्कल ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे होल्स होते हैं ये इसमें अंदर, तो वो प्लेट्स आते हैं। तो देखो आप यहाँ पे एक प्लेट 1 है, प्लेट 2, प्लेट 3 है। प्लेट 1 में 15 से लेकर 20 होल्स हैं, प्लेट 2 में 21 से 35, प्लेट 3 में 37 से 49 होल्स हैं। तो इसमें 1/40 हो गया, ये तो आपको कांस्टेंट है, और लाना क्या अपन को 1/41, क्योंकि 41 डिवीजन्स आपको करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं 40 होल्स ले सकते हैं और प्लेट कौन सी लेंगे, 41 डिवीजन वाली, ये वाली प्लेट लेंगे, और 41 डिवीजन किस में, थर्ड प्लेट। तो इसमें आप सिलेक्ट कर लिए कितने होल्स, 40। ठीक है, तो इस प्लेट में यदि हम 41 होल सिलेक्ट करेंगे, 41 का मतलब 1 से स्टार्ट करके फिर दोबारा से 1 पे आ गए तो 41 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ से स्टार्ट 1 से स्टार्ट करके 40 तक गए तो क्या हो जाएगा, 40/41 आ गया। तो यहाँ से 40 से 40 कैंसिल हो गया, 41। इसका मतलब क्या हो गया, हम कौन सी प्लेट सिलेक्ट करेंगे, थर्ड प्लेट सिलेक्ट करेंगे, और थर्ड प्लेट में भी जो क्रैंक का रोटेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 40 होल्स इन 41 सर्कल लाइन। ठीक है, 41 वाला जो सर्कल है उसमें सर्कल या 41 होल लाइन। अब जैसे 76 डिवीजन है, 76 डिवीजन का मीन्स आपको क्या लाना है, 1/76 लेके आना है। ठीक है, और क्रैंक को यदि आप एक बार रोटेट कराते हैं, क्रैंक को एक बार रोटेट कराते हैं 1/40 आता है, तो अब और आपको लेके क्या आना है, 1/76। तो आपको क्रैंक में इस तरह का होल सिलेक्ट करना है, इसमें ऐसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है कि 1/76 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ पे देखो 76 किसके टेबल में आता है, 19 के टेबल में आता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं 10 और यहाँ पे ले सकते हैं 19। मींस इसका क्या हुआ कि 19 वाली प्लेट ले ली, फर्स्ट प्लेट ले ली, और फर्स्ट प्लेट में 19 होल वाली लाइन है, ये 19 होल वाली लाइन है वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन 19 होल में हमने कितने होल्स लिए हैं, सिर्फ 10 होल लिए हैं। तो एक बार हम कितना, 10/
19 तो 1/40, अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 19 फॉर द 76 मीन्स आपका 10 होल्स इन 19 होल लाइन, 19 होल वाली लाइन है उसमें आपको 10 होल सेलेक्ट करें तो 1/76 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एंगल वाला सॉल्व करते हैं। तो इसमें एंगल दिया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं, बस यहाँ पे एंगल होता है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसका लॉजिक समझिए, यहाँ पर क्रैंक होता है और क्रैंक से फिर आप वॉम एंड वॉम व्हील को रोटेट कराते हैं। मैं ड्राइंग यहाँ पे नहीं बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो आपका एक रोटेशन होता है वर्कपीस का, एक रोटेशन होता है तो उसके लिए क्रैंक के 40 रोटेशन करने पड़ते हैं। तो 1 या मैं बोलूँ 40 रोटेशन ऑफ क्रैंक इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1 रोटेशन ऑफ वर्कपीस। और 1 रोटेशन का क्या मतलब, 360 डिग्री। इसका मतलब 40 रोटेशन में हम कितना कवर कर रहे हैं, 40 रोटेशन ऑफ क्रैंक में हम कवर कर रहे हैं 360 डिग्री। ठीक है, एंगल डिग्री में होता है इसलिए डिग्री टर्म्स। तो 1 रोटेशन ऑफ क्रैंक क्या हो जाएगा, यदि हम डिग्री के टर्म्स में बात करें तो 1 रोटेशन हो जाएगा 360 अपॉन 40 मीन्स 9। इसका मतलब 1 रोटेशन क्रैंक को एक बार पूरा आप घुमा देंगे तो वर्कपीस कितना घूमेगा, वर्कपीस घूमेगा 9 डिग्री। ठीक है, अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 41 डिग्री। ठीक है, तो 41 डिग्री के लिए आपको कितना रोटेशन करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से देखो चीज़ समझ में आती है सीधा, एक रोटेशन 9 डिग्री। ठीक है, या हम उल्टा भी लिख लें 9, ये सब यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। 9 डिग्री इंडेक्सिंग मींस क्या है, 1 रोटेशन। यदि हमको 1 डिग्री इंडेक्सिंग करना है तो क्या आ जाएगा, 1 डिग्री इंडेक्सिंग के लिए हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब 41 डिग्री करना है इंडेक्सिंग तो क्या आ जाएगा, 1/9 × 41। इसका मतलब समझो, 1/9 × 41। ठीक है, तो अब इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करें ये क्या आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा 41/9। तो 9 × 4 = 36, तो 4 हो गए फुल रोटेशन, बचा कितना 36 और 41 है तो 5/9। ठीक है, अब हम देखेंगे 9 वाली लाइन है कोई, तो 9 तो नहीं है, हम 18 वाली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 फुल रोटेशन हो गए और यहाँ पे क्या लग सकते हैं, 18 वाली जो लाइन है उसमें हम क्या ले सकते हैं, 18 वाली लाइन में 10 होल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 4 फुल रोटेशन और 10 होल्स इन 18 सर्कल लाइन, 18 वाली जो लाइन है उस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 degree 30 minutes। तो सीधा है 15 degree 30 minutes, तो मिनट को भी डिग्री में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 degree, और मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइड कर देंगे तो 30/60, तो ये आ जाएगा 0.5। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 15.5 degree आ जाएगा। ठीक है, अब ये उसी तरह से सॉल्व करना है, सीधा क्या करना है आपको 9 से डिवाइड कर देना है इंडेक्सिंग के लिए, तो 15.5 / 9। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, इसको हटा दें तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 1 आ गया, मतलब पहला फुल रोटेशन हो गया, और 155 में से हम 90 कैंसिल आउट करें तो 5 और ये आ गया 6, तो 65/90। ठीक है, तो 1 तो फुल रोटेशन आ गया, अब 65/90 को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 13, और इसको 5 से करेंगे तो 18। ठीक है, इसका मतलब 1 फुल रोटेशन एंड 13 होल्स
इन 18 होल सर्कल। ठीक है, मैं